प्रशांत किशोर हैं कौन यार, हैं कौन? इनको पहचान दी किसी ने तो सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी ने 14 में, जब उनके चुनाव का मैनेजमेंट देख रहे थे, वहां से निकाले गए, नीतीश जी के पास आ गए, कहने को हमारे चुनाव का मैनेजमेंट देख रहे थे, महागठबंधन चुनाव जब जीता तो उसकी मार्केटिंग कर करके आज देश भर में आईपैक को अलग अलग पार्टियों के पास ले गए, चाहे शिवसेना हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आप हो, चाहे डीएमके हो, चाहे ममता जी की टीएमसी हो, सबका काम कर रहे हैं। तो किसकी बदौलत हुआ ये? ये तो जेडीयू नीतीश कुमार की बदौलत हुआ है। इनका बाजार अब खराब हो रहा है, क्योंकि ये आदमी विश्वसनीय नहीं है। इस आदमी का काउंटडाउन शुरू हो गया है, ये जरूरत से ज्यादा छलांग मारने के नतीजा है, क्योंकि इस आदमी की विश्वसनीयता नहीं है। राहुल गांधी को अपरिपक्व कहता है ये आदमी एक साल पहले कि प्रधानमंत्री बनने लायक नहीं है, और कांग्रेस पार्टी में धन्यवाद देता है प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को सीए के समर्थन में। आम आदमी पार्टी का काम कर रहे हैं, राहुल गांधी से बात कर रहे हैं, ममता दीदी से गोदी में बैठे हुए थे, विश्वसनीयता कहाँ है? एक दूसरे की बात सबको बता देंगे? हमें सर्टिफिकेट ऐसे कॉरपोरेट दलालों से नहीं चाहिए। हम बहुत खुश हैं कि कोरोना वायरस हमारे में से निकल गया है, जहां जाना है जाए, क्योंकि ये वायरस जिस शरीर में रहेगा उसी का नाश करेगा। जब तक किसी की इच्छा रहेगी पार्टी में रहने की, रहेगा, कहीं जाना चाहेगा जाएगा। हम लोगों की पार्टी अलग किस्म की पार्टी है भाई। ये ट्वीट ट्वीट का हमारे यहां क्या मतलब है बताइए ना। सब हम लोगों का साधारण कैटेगरी के लोग हम लोगों के यहां हैं, आम लोग हैं, कोई इतने बड़े इंटेलेक्चुअल्स लोगों की वाली पार्टी तो ये है नहीं, बड़े लोगों वाली पार्टी। लेकिन भाई हम तो इज्जत देते, हम तो सबका सम्मान करते हैं। लेकिन अगर इन सब चीजों में कोई बात है तो अपना अपना ओपिनियन, हमारे पार्टी को इन सब चीजों से कोई छोड़िए ना, अपना मतलब जहां जाए। अब वो आया कैसे भाई? हमको अमित शाह जी कहे ज्वाइन करा, ज्वाइन करा तभी सब हमसे काहे के लिए पूछ रहे भाई। कोई कुछ करता है तो मन और होगा, कहीं जाने का मन होगा, स्ट्रेटजिस्ट के रूप में किसी किसी का काम करता है, जो खबरों में है कि आम आदमी पार्टी का काम कर रहा था। अलग अलग आदमी का अलग अलग काम है, उस पर हम लोगों को मत अब इसमें कहिए। उन्हीं से पूछ लीजिए रहिएगा कि नहीं रहिएगा, रहेगा तो भी ठीक, नहीं रहेगा तो भी कोई बात नहीं, हमको कोई दिक्कत नहीं। हाँ, लेकिन रहेगा तो पार्टी का जो बुनियादी ढांचा है उसको अंगीकार करना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा।